इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ मजेदार, कुछ फनी, कुछ इमोशनल तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कैमरे में रिकॉर्ड वीडियोस। अगर यह वीडियो कैमरेज में रिकॉर्ड नहीं हो पाते तो शायद आप इस पर यकीन भी नहीं करते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये वीडियो देख के आपकी रूह ही कांप जाएगी। ये वीडियो ब्राजील की है जहाँ पर वहाँ का एक डैम टूट जाता है और डैम का सारा पानी बुरी तरह से फैल गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक नजारा है। इस वीडियो में वहाँ पर काम करने वाले 270 कर्मचारियों की जान चली गई थी। अब जरा इस सस्ते चर्सी को देखिए, इस बंदे से ढंग से बाइक पर बैठी भी नहीं जा रही और यह शख्स एक जगह से दूसरी जगह पर गिरता पड़ रहा है। यह नशेड़ी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के बाद वापस उठने की ताकत आखिर इनमें कैसे आ जाती है? और अंत में जब ये बाइक पर बैठ जाता है तो अपने तो गिरता ही है बल्कि जो बाइक को चला रहा होता है उसे भी अपने साथ ले डूबता है। तभी कहते हैं नशेड़ियों से दूरी ही सही, अपने तो डूबेंगे ही दूसरे को भी ले डूबेंगे। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तो आ ही जाएगी। दोस्तों ये वीडियो टर्की की है जहां पर इस बिल्ली के बच्चे की तबीयत खराब थी तो अपने बच्चे को उठाकर इस हॉस्पिटल के अंदर ले आती है और अपने आवाज में म्याओ म्याओ करके अपने बच्चे की जान बचाने की गुहार करने लग गई। जब डॉक्टर ने उस बिल्ली के बच्चे की जांच की तो उसे यह पता चला कि जो इनकी आंखें है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बाद उसने दवाई दिया और उनकी आंखों में दवाई डाला भी और ऐसा करके उसने इस बच्चे का इलाज किया। अब जरा इस वीडियो में देखिए, ये लड़की इस लड़की ने एक चिल्ड आइसक्रीम ली, जिसके बाद जब ये इसे लिक कर रही थी तो इसकी जीभ आइसक्रीम से चिपक गई, जिसके बाद इसके साथ जो हुआ अब खुद ही देख लीजिए। भला हो उसके साथ वाले शख्स का जिसने पानी डालकर उसकी जीभ को छुड़ाया। लेकिन एक बात तय है, अब ये महिला दोबारा स्टिक वाले आइसक्रीम तो नहीं खाने वाली। के अंदर इस रिपोर्टर का जो ईयरपीस था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था और यह महिला बार बार साउंड चेक बोली ही जा रही थी। और तभी कैमरे के अंदर एक ऐसा दृश्य रिकॉर्ड हुआ, उसके टीम मेंबर ने उनके ईयरपीस को निकालकर उनके कान में अचानक से एक फूंक मारी। इस घटना को देखकर ये बेचारी तुरंत ही चौंक गई। यहाँ पर यह रिपोर्टर इस मॉल के अंदर हॉलीडे शॉपिंग को लाइव रिकॉर्ड करने पहुंची थी। इस रिपोर्टिंग के लिए यह महिला इतना ज्यादा उत्सुक थी कि दौड़ दौड़ के लोगों के पास इंटरव्यू लेने जा रही थी, लेकिन दौड़ने के चक्कर में यह महिला धड़ाम से जमीन पर ही गिर गई। वाकई इसे ही कहते हैं दिन में तारे दिखना। अब जरा इस वीडियो में देखिए, यह भाई साहब बनियान में ही शादी कर रहे थे, तभी उनके पीछे जो महिला थी उन्हें मजाक सूझा और उन्होंने इसे नीचे ही गिरा दिया और उसके बाद आंटी जी तुरंत ही वहां से 9-11 हो गई। दोस्तों अगली वीडियो देखकर आपको इस बात की याद आ जाएगी कि दोस्त तो सभी के होते हैं लेकिन हरामी दोस्त किसी किसी के ही होते हैं। अब जरा इनको देख लीजिए, दूल्हे का दोस्त घोड़ी पर बैठकर ठुमके लगाने लग गया, लेकिन शायद घोड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने बोला, अरे भाई बात तो एक के चढ़ने की थी, ये दो कैसे चढ़ गए? इसलिए घोड़ी वहां से खिसक गई और ये शख्स तो गिरा ही गिरा, साथ में दूल्हे को भी लेकर गिर गया। यहाँ तो एक ही बात याद आती है, हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, सनम तुझे भी ले डूबेंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ ओवर स्मार्ट लोगों को। इस शख्स को देखिए कि कैसे यह अपने पैर से इस गुलदस्ता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब गुलदस्ता तो नहीं टूटा लेकिन इनका पिछवाड़ा जरूर टूट गया। इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से आर्मी ट्रेनिंग में इस शख्स पर मोटे डंडे से वार किया जा रहा है। तो दोस्तों यही कारण है कि इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन होती है, जिसको देखकर किसी की भी हालत टाइट हो सकती है। इनको कुछ ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि यह बिना हथियार के भी लोगों को मिनटों में सफाया कर सकते हैं। इसके अलावा उनको हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि वह अपने आसपास की चीजों को कैसे हथियार बना सके और उसका इस्तेमाल कर सके। आपने जॉन विक मूवी तो देखी ही होगी, जहां पर वह कभी किताब को अपना हथियार बना लेता है तो कभी पेंसिल को। ठीक वैसी ही हमारी इंडियन आर्मी की भी ट्रेनिंग होती है, चाहे वह हवा हो, आग हो, पानी हो या फिर धरती हो, इनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वह हर जगह पर सर्वाइव कर सके। और एक अच्छा सर्वाइवल ही एक बढ़िया कमांडो बन पाता
पता है टीवी की वजह से आजकल काफी सारी चोरियां टीवी में कैद हो रही है, लेकिन अगर इन मूर्खों की बात करूं तो ये सबसे अलग है। दोस्तों, ये भारत के कुछ चोर थे जिनको एटीएम में और पासबुक प्रिंटिंग मशीन में फर्क ही समझ नहीं आ रहा था और इन्होंने पासबुक प्रिंटिंग मशीन को ही चुरा लिया। इसलिए कहते दोस्तों, चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए। अब जरा इस वीडियो को देखिए। जैसा कि दोस्तों लॉकडाउन में शराब की बंदी थी, जिसकी वजह से लोग तरह तरह के तरीके से शराब की स्मगलिंग और चोरी वगैरह कर रहे थे। जरा इस वीडियो में देखिए कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा कमाल की थी। इस जुगाड़ को बनाने वाले की भी दाज देनी चाहिए। दोस्तों, ये गाड़ी महिंद्रा की थी, इसलिए महिंद्रा के मालिक ने भी ट्वीट किया कि ऐसी गाड़ी हम नहीं बनाते हैं जिसमें कुछ भी छुपाया जा सके, ताकि लोगों को यह ना लगे कि ये गाड़ी में पहले से इनबिल्ड है। कुछ लोगों ने तो ऐसी गाड़ी को चोर गाड़ी का भी नाम दे दिया है। इस खतरनाक ट्रेनिंग को देखिए कि कैसे ये कार को ऐसे मोड़ रहे हैं जैसे कि यहाँ कोई मूवी चल रही है, लेकिन दोस्तों ये कोई मूवी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। देखिए कैसे इस आर्मी ने इस गाड़ी पर अटैक किया है, वाकई ये कमाल देखने लायक है। दोस्तों, कभी कभार पुलिस वाले भी ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी रिस्पेक्ट उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जरा यहीं पर देखिए कि कैसे इस पुलिस वाले ने इस आदमी को बचाया। वहीं पर इसको बचाने के बाद दो चाटे भी लगाता है और समझाता है कि ऐसी पागलपंती क्यों करते हो। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक शख्स एक बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर गली में कुछ लोग सो रहे थे, तभी एक ठेले पे आया शख्स बाहर सोते हुए बच्चे को अपने ठेले पर ले जा रहा था, लेकिन इस बच्चे की माँ तुरंत जाग जाती है और शोर मचाने लग जाती है, जिसको सुन वो रिक्शे वाला वहाँ से तुरंत 9:11 हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें एक बात तो सीख लेनी चाहिए कि अगर आप ऐसे कभी सो रहे हो तो अपने बच्चों का खासा ध्यान रखें और बाहर ऐसे तो सोए मत। अब जरा इस पगलेट चोर से भी मिल लीजिए, जो शायद अपना दिमाग घर पर रखकर आया था। इस चोरी को अंजाम देने के लिए दो चोर तब दाखिल हुए जब घर के सारे लोग नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन सही समय पर घर का मालिक आ पहुंचा और इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और वो अपने घर को बाहर से लॉक कर देता है, जिसके बाद इस 3 मंजिला बिल्डिंग से एक बंदा खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाहर मालिक खड़ा था और ये चोर उसके हत्थे चढ़ जाता है। पहले तो इसकी खूब ठुकाई करते हैं, उसके बाद पुलिस वाले को इनको सौंप देते हैं। अब जरा इस वीडियो में इस ओवर कॉन्फिडेंट चोर को देख लीजिए। यह चोर दुकान को लूटने निकलता है, लेकिन गलती से अपना हथियार ही गिरा देता है और आप खुद ही देख लीजिए फिर कैसे इसे भागना पड़ जाता है और भागते भागते इस नमूने की पैंट भी खुल जाती है। की सर्विस कितनी भी घटिया हो, लेकिन फ्लाइट में जो एक सबसे जरूरी चीज होती है वह है एसी। लेकिन एयर इंडिया की यह फ्लाइट की जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह घटना 25 अप्रैल सन 2018 की है, जहां पर पूरे फ्लाइट में एसी ने काम करना बंद कर दिया। यह फ्लाइट दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही थी और फ्लाइट में एसी ना होने की वजह से कई लोगों की तो दम भी घुटने लग गया और फ्लाइट जब नीचे उतरी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके पीछे का कारण बड़ा ही सिंपल है। जब जो एरोप्लेन हवा में होता है तो उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, और दोस्तों ऐसे में एसी नहीं चलना उनको मानो दुगनी मार पड़ रही हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे ही डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।